तो चलो दोस्तों, आज को ड्रॉ करते हैं। पर क्या ड्रॉ करें, आइडिया। सबसे पहले आपको लेना है कंपास, जिसमें मैंने ऑलरेडी पेंसिल लगा के रखी थी। तो इसको आप अपने हिसाब से एक बड़ा सा सर्कल बना लेंगे। तो आउटलाइन करने के बाद अब हम इसके पोलर बेयर के कान बनाएंगे, जिसके लिए आप कंपास का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं हैंड से ही बना रही हूँ। ऐसे ही दोनों साइड बना लेंगे। सो ये कान कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। अब हम इसकी नोज और आईज को भी कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, आईज कंप्लीट हो चुकी है। अब आइस में दो सर्कल भी बना ही लेते हैं। तो सर्कल भी अपन ने बना लिए हैं। तो ये जो ईयर है ना, उसके अंदर एक और ऐसा ही शेप बनाना है, दोनों ही सेट करना है ये चीज़। तो ईयर तो हो चुके हैं, अब एक हार्ट शेप भी बनाएंगे छोटा सा। तो अपना रफ स्केच हो चुका है गाइस। अब चलिए कलर करते हैं। तो मैंने ब्रश ले ली है, जिससे येलो कलर अपन बैकग्राउंड में करेंगे। तो चलिए, बैकग्राउंड भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम रेड कलर लेके हार्ट शेप में भरते हैं। तो ये रेड कलर का हार्ट शेप भी अपन ने रेडी कर लिया है। अभी अपन को ये ब्लैक कलर चाहिए, जिसको हम दोनों ही ईयर्स पे लगा देंगे। फिर आईज़ को भी कंप्लीट करेंगे ब्लैक कलर से। आईज को अच्छे से कलर करने के बाद दूसरी आई भी पेंट करेंगे। सो अच्छे से इस आई को पेंट कर लेंगे। तो इस आई के बाद दूसरी आई भी अपन पेंट कर लेते हैं, जो कि हो चुकी है। अब चलिए नोज़ को पेंट करते हैं। नोज़ भी ब्लैक कलर से ही पेंट करना है। नोज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी ब्लैक कलर से अपन आउटलाइन कर लेते हैं पोलर बेयर की। अच्छे से पूरा सर्कल आउटलाइन करेंगे। तो आउटलाइन भी अब हो चुका है। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये पेंटिंग इजी सी कितनी जल्दी बनके तैयार हो चुकी है।